हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। मेरा नाम वैभवी सिंह है और कुछ खास मेरे बारे में तो नहीं, बट मैं अपने बारे में यह जरूर बताना चाहूँगी कि हमने 4 मंथ की अन अकेडमी पे इंटर्नशिप की है। तो मैं वहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाती थी और हमने इंटर्नशिप वहाँ पे 4 मंथ का किया, और टोटल कितनी सैलरी रही है मैं आपको बताना चाहूँगी। आप सभी अन अकेडमी पे इंटर्नशिप करना चाहोगे क्योंकि अन अकेडमी एक बहुत बड़ा एडटेक कंपनी है और काफ़ी अच्छी सैलरी भी वहाँ प्रोवाइड होती है। तो अगर मैं बताना चाहूँ कि सबसे पहले हमने कैसे वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरा था, तो रैंडम मुझे उसके बारे में नॉलेज तो नहीं था, बट हमने एक यूट्यूब वीडियो में देख रही थी और वहाँ पे मुझे एक गूगल फॉर्म मिला, तो हमें वहाँ पे उसको फिलअप किया। और जिसमें कि दो खास चीज़ें होती है, एक आपको डेमो वीडियो बनानी होती है करीबन 8 मिनट की। उस डेमो वीडियो में आपको 1 से 2 मिनट की अपनी इंट्रोडक्शन देनी होगी और आपको अपने प्लान बताना होता है 2 मिनट में कि आप 100 घंटे कैसे पढ़ाने वाले हो, क्या पढ़ाने वाले हो, कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हो। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप 100 घंटे की जो वीडियो होती है वो 2 मंथ में आपको 100 घंटे कंप्लीट करने पड़ते हैं। मतलब 1 मंथ में 50 घंटे, दूसरे मंथ में 50 घंटे, यही आपको पढ़ाना होगा अन अकेडमी में। पहले जब वो कॉन्ट्रैक्ट 50 घंटे की कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, और दूसरे मंथ में अगेन अगर आप अच्छा करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट आपकी एक्सटेंड हो जाती है। और फिर आप कोई भी एक टॉपिक उठा करके उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, और आप अपने लैपटॉप में पीपीटी बनवा सकते हैं। और अगर आप पीपीटी बनाना नहीं जानते तो मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगी कि आप किसी साइबर कैफ़े पे चले जाइए, किसी प्रिंटिंग कैफ़े पे चले जाइए, वहाँ बोल दीजिए कि मेरी ये कंटेंट्स है और आप इस तरीके से पीपीटी तैयार करके हमें PDF प्रोवाइड कर दीजिए, समझ रहे हो। और फिर उस PDF को आप वहाँ पे समझ लीजिए कि किस तरीके से मैं इसको पढ़ा सकती हूँ, तो आप वहाँ पे भी वो चीज़ अपनी पूरी PDF तैयार कर सकते हैं, तो आप उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे डेमो अपना बनाया और अपनी रिज्यूम में फ्री में हमने बनाई थी, गूगल से अपना नेम और क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या आपके कुछ आपने पढ़ाया हुआ अचीवमेंट्स वगैरह उसमें लिख दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से अपने रिज्यूम में तैयार कर लेना, और हमने फ्री में किया था, ठीक है। तो फिर ये दो चीज़ें वहाँ इम्पॉर्टेंट होती है। और आप सभी पूछते हो कि वहाँ पे क्या हमारा क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो अगर मैं ये बताना चाहूँ आपको तो क्वालिफिकेशन आपकी आई थिंक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और अगर आप 12th पास भी हो तो भी वहाँ पे इंटर्नशिप कि फ्रेशर्स को भी वो अलाउ कर रहे हैं कि आप फ्रेशर हो तो भी आकर के इंटर्नशिप करो। अगर आपके अंदर वो दम है पढ़ाने का, कैपेबिलिटी है, तो आप बिल्कुल आगे सर्व कर सकते हो एज एन एजुकेटर, ओके। तो अभी ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और आप नीट के लिए पढ़ाना चाहो, या फिर आप नेट के लिए पढ़ाना चाहो, या फिर UPSC के लिए, या फिर PCS के लिए, आप बस अपनी वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो डेमो सिलेक्शन के बेस पे। तो फिर मेरा 7th ऑफ 1 हफ्ते के बीच सारे प्रोसेस हो गए थे, और डेमो सेलेक्ट अगर होता है तो 1 दिन में आपको पता चल जाएगा, 1-2 दिन में, ठीक है। और फिर टी शर्ट वगैरह डिस्पैच हमारी हुई और हमारा इस तरीके से ज्वाइनिंग हो गया 7th ऑफ सितंबर में। हमने 2 मंथ इंटर्नशिप किया, और सैलरी अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पहले मंथ की जो सैलरी थी वो 16,000 रुपीज़ मिली थी, कुछ उसमें से 1-2-3 हज़ार डिडक्शन हुआ था। तो और फिर इसके बाद हमने अच्छा किया तो हमारी सैलरी एक्सटेंड होकर 1,000 हो गई थी हमारे दूसरे बार हमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो इस तरीके से हम वहाँ पे अपनी इंटर्नशिप हमने कंप्लीट की, और मैं ज्योग्राफी पढ़ाती थी, मैंने वहाँ बता ही दिया। और आप सभी के कुछ और भी डाउट्स हों तो बताइएगा। अब मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो अन अकेडमी के लिए। तो देखो, अभी ओपनिंग्स मैं बताना चाहूँ तो अन अकेडमी पे नॉन टीचिंग ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, फुल टाइम भी वर्क कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो। और आप लोग एक इंडीड ऐप होता है और एक लिंक्डइन ऐप होता है, उसको आप कंटिन्यू रखना, देखते रहना सर्च करके गूगल पे, उस पर अगर वैकेंसीज आती हैं तो तुरंत पता चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा और वहाँ पे आप अप्लाई कर देना। तो ये रही हमारी जर्नी, हमने बहुत इन्जॉय किया, बच्चे काफ़ी वहाँ पे बहुत मज़ा आता था पढ़ा के। थैंक यू सो मच। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और PW में भी कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, उसका लेक्चर में आगे एक वीडियो बनाने वाली हूँ। थैंक यू।